मध्य ब्लॉक मुंडा पांडे सभागार में शहीदों की याद में आज फूल माला अर्पित कर शहीद दिवस मनाया गया। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव ने शहीदों को याद करते हुए बताया कि आजादी अमृत दिवस पर भारतीय जनता पार्टी सैनिकों और किसानों अन्य वर्गों का सभी का सम्मान करती है और समय समय पर ऐसे ही प्रोग्राम करती रहती है। जो शहीद हुए थे आज उनके परिवार के सदस्य भी ब्लॉक परिसर में आए और कहा कि हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे परिवार के शहीद हुए जवानों को ब्लॉक मुंडा पांडे परिसर में प्रोग्राम रखकर याद किया जाता है, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी का और कोई दिन नहीं हो सकता। इसी तरह से समय समय पर शहीद हुए जवानों को याद किया जाएगा। जी मैम, आज जो भी ब्लॉक परिसर में जो एक आज़ादी अमृत महोत्सव दिवस का प्रोग्राम हुआ था मैम, इसमें क्या वरीयता दी गई मैम? आज 9 से 16 अगस्त तक आज़ादी महोत्सव मनाया जाना है, जिसका नाम अमृत आज़ादी महोत्सव रखा गया है। इसके अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें जो विकास खंड है, हमारे विकास खंड के जो भी व्यक्ति शहीद रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके आश्रितों को सम्मानित किया गया और उन्हें हम लोगों ने ये वादा किया है कि उनके ग्राम के अंदर विद्यालय परिसर अथवा क्षेत्र पंचायत निधि के अंतर्गत जो कार्य कराए जाएंगे उन्हें उनके नाम पर जो हमारे सम्मानित नहीं हैं, अभी फिलहाल नहीं है वो हमारे साथ, पर उनके नाम पर हम लोग उन्हें सम्मानित करेंगे, जो कि युवाओं के लिए प्रेरणादायक होगा कि वो देश की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करेंगे। मैम, कितने आज यहाँ पर जो जो शहीद हुए हैं उनके परिवार से कितने आए थे मैम? टोटल 8 लोग आ पाए थे स्वतंत्रता संग्राम के स्मरण पे। दरअसल बरसात के कारण और लोग नहीं आ पाए, पर हमने सभी को आमंत्रित किया। जी मैम, आज इस सारे प्रोग्राम के जो उसमें हुआ, आप क्या कहना चाहती हैं मैम? ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सराहनीय प्रशंसनीय आयोजन रहा। ये सरकार के द्वारा हमें लखनऊ से ये आदेश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार का प्रोग्राम किया जाना है, जो कि मेरे लिए तो काफ़ी उत्साहित करने वाला कार्य था। मैम, आने वाली 15 अगस्त की तैयारी, क्या तैयारी चल रही मैम? उसकी पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। जो परंपरागत रूप से जो ब्लॉक परिसर में होता रहा आ रहा होगा वो तो किया ही जाएगा, ना कि मेरे व्यक्तिगत कुछ छोटे मोटे विचार हैं उनको भी हम लोग इसमें इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अमृत महोत्सव का एक कार्यक्रम ब्लॉक परिसर में आयोजित किया गया था, जिसमें जो हमारे ब्लॉक के शहीद जो हुए थे उनके परिवारजनों को यहाँ पर आमंत्रित करके उनका सम्मान समारोह भी रखा गया। तो लगभग 11 शहीद परिवार यहाँ पर आ जाए और हम लोगों ने उनका माल्यार्पण और मिठाई बस इत्यादि देकर उनका सम्मान किया। क्या आज आज़ादी अमृत महोत्सव दिवस के कार्यक्रम में जो अतिथि आए, क्या उन्होंने आपसे कोई विचार विमर्श इस बात का कुछ तलवार किया हो? यहाँ जो परिवारजन हमारे शहीदों के परिवारजन आए, सब लोग बहुत खुश थे और उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही किए जाते हैं और जो सम्मान भी मिलता है, चाहे वो किसानों का हो और चाहे वो सैनिकों का हो, वो भारतीय जनता पार्टी में ही सम्मान मिलता है और बहुत खुश थे वो लोग। और हमने कुछ प्रथम के सुझाव भी दिए हैं कि कुछ सुझाव जो हम सरकार को वो भी कोशिश करेंगे, उनको सुझाव हमें दिए। आज आज़ादी अमृत महोत्सव दिवस के कार्यक्रम हुआ ब्लॉक परिसर में, इसके विषय में आप सभी क्षेत्रवासी जो आप यहाँ जहाँ ब्लॉक मुंडा पांडे से ब्लॉक प्रमुख जीते हैं, उसके सभी क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सभी क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आज अगर हम यहाँ सुरक्षित हैं और खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं तो हम सैनिकों की ही बदौलत है ये सब। तो सैनिकों का और सैनिकों के परिवार का पूरा सम्मान करें, समाज उनको पूरी इज्जत दे और हमने यहाँ अधिकारीगणों को भी निर्देशित किया है कि ऐसे परिवारजनों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, उनके जो काम हैं तो पूरी भद्रता के साथ में होनी चाहिए